इस लाल कलर के अजूबे को देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या। 2012 की बात है, मैं हमेशा से एक कैफे रेसर बनाना चाहता था, मगर मेरे पास ना कोई अच्छी बेस बाइक थी, ना मेरे पास 20,000 रुपए थे। उसकी जगह मेरे पास थे 3,500 रुपए और मेरी पुरानी मोपेड एस्कॉर्ट्स टोरो जैज, जो इंडिया में 1996 में लॉन्च हुई थी और एक बहुत स्मूथ और भरोसेमंद मोपेड थी। मगर हमारे देश से इस वक्त तक मोपेड क्रेज जा चुका था और टोरो जैज मोपेड एस्कॉर्ट्स के लिए और यामाहा के लिए एक बहुत बड़ी सेल्स फ्लॉप साबित हुई। मेरी टोरो जैज से मैं स्कूल जाता था और मोटरसाइकिल मिलने के बाद ये मोपेड घर पे पड़े पड़े सड़ रही थी। अब हम लोग वापस आते हैं 2012 में, जब मेरा कैफे रेसर्स को लेकर क्रेज बहुत बड़ा हुआ था। पर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और मेरे पास डोनर बाइक खरीदने के और उसको मॉडिफाई कराने के पैसे नहीं थे। फिर एक दिन मैं अपने गैराज से गुजर रहा था और मैंने अपनी उस खटारा मोपेड पे नजर डाली। मैंने सोचा क्यों ना इसको एक छोटी सी कैफे रेसर बना दिया जाए। और फिर क्या हुआ, 3,500 रुपए जिसमें पेंट और वेल्डिंग शामिल थी और एक महीने के बाद निकली ये छोटी सी कैफे रेसर जिसका मैंने नाम रखा है रेड हमिंग बर्ड। चलिए इस छोटी सी और यूनिक सी कैफे रेसर को पास से देखते हैं। रेड हमिंग बर्ड को अगर आप देखें तो आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि ये टोरो जैज मोपेड की बेस से बनी है। इसका ये रेड फ्यूल टैंक इसका ओरिजिनल आइटम है जिसको वेल्डिंग से हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया गया है। इसकी कैपेसिटी 3 लीटर है और इसका ये रेड हॉट पेंट इसे एक ट्रू इटालियन फ्लेयर देता है। इसके ये गोल्ड पेंटेड व्हील्स इसके रेड ब्लैक कलर को खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी ये जेट ब्लैक पेंटेड चेचेस और सफाई से ढकी वायरिंग इसे एक क्लीन ऑलमोस्ट फैक्ट्री कस्टम लुक देती हैं। इसके बाकी के पार्ट्स जैसे फुटबोर्ड्स और प्लास्टिक कवर्स को हटा दिया गया है और इसकी नॉन एसेंशियल वायरिंग को भी रिमूव कर दिया गया है। इसकी ये हेडलाइट चेतक की स्कूटर से ली गई है और इसका ये हैंडल बार स्प्लेंडर क्लासिक कैफे रेसर से लिया गया है और इसके ये वेल्डेड रियर सेट फुटबैग्स इसके हैंडल की पोजीशन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसे एक ऑथेंटिक लीन फॉरवर्ड कैफे रेसर फील और लुक प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जॉस्ट स्टॉक है और काफी साइलेंट है, मगर इसके 2 स्ट्रोक होने की वजह से इसकी साउंड मैजिकल है। रेड हमिंग बर्ड को पावर देता है ये इटालियन मेड मोटो मिनारेली 50cc 3.5 हॉर्स पावर का 2 स्ट्रोक इंजन जो बहुत स्मूथ है और इसको अच्छी परफॉर्मेंस देता है। स्टॉक कंडीशन में ये गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है, मगर वेट रिडक्शन और कैफे रेसर लुक पाने के लिए इसके बाकी के पार्ट्स को रिमूव करा जा चुका है, जिसके कारण ये छोटी सी मोपेड कैफे रेसर को आप अंडर एस्टिमेट ना करिए। एक एवरेज वेट के राइडर को लेकर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ लेती है और इसका ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसे अच्छी डैम्पिंग देता है और बेहतरीन हैंडलिंग से नवाजता है। इसके ये छोटे 16 इंच के व्हील्स और टायर्स की वजह से आप इसे ज्यादा कॉर्नर नहीं कर सकते हैं, मगर ये एक मोपेड है और सिंगल स्पीड होने की वजह से आपको कोई इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से रेड हमिंग बर्ड को कॉर्नर करने में थोड़ी गट्स चाहिए होती है। इसकी ये कस्टम मेड सीट इसे अच्छी कंफर्ट देती है और बड़े राइडर्स को भी आराम से अकोमोडेट कर लेती है। रेड हमिंग बर्ड अच्छी दिखती है, अच्छा साउंड करती है, तेज चलती है, अच्छे से हैंडल करती है, लाइट वेट है और सबसे जरूरी एक 2 स्ट्रोक है, जिसकी वजह से इसमें एक कैरेक्टर है जो आजकल की छोटी बाइक्स में नहीं मिलता है। ये गाड़ी अब स्कॉट्स की टोरो जैज नहीं है, अब ये गाड़ी है मेरी ग्रेट रेड हमिंग बर्ड, इंडिया की सबसे छोटी कैफे रेसर। दस हजार सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। मैं अपनी लाइफ में कभी इतना पॉजिटिव नहीं हुआ हूं और मेरे इस मोटरसाइकिल एडिक्शन को फ्यूल करने में सिर्फ आप लोगों का ही हाथ है। रिसेंटली कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे अपलोड्स थोड़े से स्लो हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच, और हमेशा की तरह मेरी मोटरसाइकिल्स की कहानियां अभी बाकी हैं। अल्टीमेट मोटरसाइकिल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें ई मोटोस को। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।